गाइस इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी टू का ट्रेलर आ गया। गाइस ट्रेलर ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों में गदर मचा के रख दी है। 22 साल बाद हम लोगों को फिर से तारा सिंह, सक्सेना और चीजों को देखने का मौका मिलेगा। गाइस इस बार की स्टोरी 1971 के इंडो पाक वॉर पर बेस्ड होगी और उस टाइम पे पाकिस्तान में क्रश इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो उसी टाइम की कहानी दिखाई जाएगी। गाइस इस बार तारा सिंह का बेटा जीते पाकिस्तान जाता है किसी रीजन से, और गाइस मुझे ऐसा लगता है लड़की के लिए जाता है। ट्रेलर में लड़की को दिखाया गया है और उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी उसको पकड़ लेती है और उसके बाद फिर तारा सिंह आते हैं उसको बचाने, और उसके बाद फिर से तारा सिंह पाकिस्तान में गदर मचा के आते हैं। ट्रेलर से पूरी स्टोरी रिवील हो चुकी है। टीजर में दिखाया गया था कब्र के सामने तारा सिंह रो रहे हैं, तो उसका पता नहीं किसकी कब्र थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो उनके दोस्त की होगी जो उनके साथ पाकिस्तान गया था, लेकिन वापस आते हैं तो गिर गया था ट्रेन से। गाइस डायलॉग की बात करें तो गाइस डायलॉग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जब जीत होता है कि यही दुआ करो कि मेरा बाप यहाँ ना आए, और गाइस उसके बाद तारा सिंह का डायलॉग था कि एक बार अगर मौका मिलेगा तो पूरा तुम्हारा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, तो गाइस ये डायलॉग बहुत ज्यादा अच्छा था। और गाइस जो कटोरे वाला डायलॉग था वो अच्छा था, लेकिन इस डायलॉग से इतना लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मीडिया में दिन भर कटोरे वाला डायलॉग तो चलता ही रहता है, हम सभी जानते हैं, तो इस डायलॉग की तो आदत पड़ गई है हम लोगों का। सकीना वाला डायलॉग मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगा और एकदम फेक जैसा लग रहा था। गाइस जब वो बोलती है कि मुझे आपकी केयर बढ़ती जा रही है, ये डायलॉग में भी एक्सप्रेशन एकदम फेक लग रहा था, और उनकी वजह से तारा सिंह का भी थोड़ा बहुत फेक लग रहा था। वाली सीन बहुत ज्यादा खराब लगी मुझे, जितनी भी सीन है इसमें सब कुछ फेक लग रही है बहुत ज्यादा। ये चीज बहुत ज्यादा बेकार कर रही है मूवी को। और गाइस हमें गदर वाली सकीना चाहिए थी जिसके डायलॉग में नेचुरल इमोशन था। गाइस मूवी की शूटिंग लखनऊ में हुई थी और गाइस ज्यादातर शूटिंग इमामबाड़ा में हुई थी। इस बार की जो सीन है वो इमामबाड़ा जैसा इमारत है उसी की जैसी कॉपी करके बनाया गया है। गाइस ये वाला जो गेट लग रहा है ये एकदम दरवाजा से मैच करता हुआ है। पिछली बार जो शूटिंग हुई थी गदर की वो एकदम रियल लोकेशन पे हुई थी, लेकिन इस बार का जमाना है तो अब उसके जैसी लोकेशन को क्रिएट किया गया है। गाइस भी बहुत ज्यादा लो क्वालिटी के लग रहे हैं। ट्रेलर की जो लास्ट सीन है उसमें तारा सिंह हैंडपंप को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं, उसके बाद जानते ही हो हैंडपंप इस बार भी उखड़ेगा। हैंडपंप के साथ साथ इस बार बच्चे को भी उठा के दिखा रहे हैं, मतलब वो भी उठा के फेंक देते हैं सबके ऊपर। जो पाकिस्तान के जनरल बने मनीष, उनकी भी एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। ये बात तो बिल्कुल सच है कि अमरीश पुरी को रिप्लेस कोई भी नहीं कर सकता। मनीष ने चाणक का रोल प्ले किया था एक सीरियल में, और खानानंद का रोल प्ले किया था, वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था इसके कंपैरिजन। गाइस बचपन से ही हम लोगों ने गदर मूवी देखी थी, इससे हम लोग इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हैं। गदर से हम लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीद है। मूवी में पुराने गाने भी आपको देखने को मिलेंगे, मैं निकला और गले पे ये अलग गाना इसमें है। और गाइस बहुत लोग कहेंगे कि फिर से वही रीमेक गाने डाल रहे हैं। गाइस ऐसा नहीं है, जब लोग बिछड़ते हैं तो उनको पुरानी यादें ताजा करने के लिए पुराने गानों का सहारा लेना पड़ता है, तो गाइस यहाँ पे भी वही हुआ है। लेकिन गाइस एक दो नए गाने भी होने चाहिए, भले आप पुराने डाल लो वो ठीक है, लेकिन एक दो गाने नए भी होने चाहिए। ट्रेलर देख के मूवी का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट पता चल गया है। पूरी मूवी देखने के बाद पता चलेगा कि मूवी कितनी ज्यादा अच्छी है। तो गाइस ये मूवी आ रही है 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे में, और गाइस इसके साथ माय गॉड 2 भी आ रही है। तो गाइस अगर ये फीकी पड़ी तो ओ माई गॉड ज्यादा आगे निकल जाएंगी। तो गाइस आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।